की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है। रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में देशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। देश भर के 1300 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाना है। पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन बनेंगे। वर्ल्ड क्लास राजस्थान में कुल 82 रेलवे स्टेशन बनाए जाने हैं। विश्व स्तरीय लेवल पर अब रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा, कायाकल्प किया जाएगा। आज 55 रेलवे स्टेशन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। रेलवे स्टेशन के कायाकल्प में कुल 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, तो देश को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। देश के 508 रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने वाली है। यहाँ एयरपोर्ट और मॉल जैसी फैसिलिटीज मिलेंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात देंगे। देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी नींव रखेंगे। इन स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। ये स्टेशन समूचे देश में फैले हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद यात्रियों को आधुनिक से आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। सरकार ने इसे ऐतिहासिक पहल करार दिया है। आज एक बड़ी सौगात देश को मिलने वाली है और 55 रेलवे स्टेशन इसमें राजस्थान के शामिल हैं, जिनका पहले चरण में आज उद्घाटन किया जाना है। और इस काम का आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। रेलवे स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं आपको मिल सकेंगी। देश के कुल 1300 रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, जिनका कायाकल्प किया जाना है। स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं, जबकि बिहार के 49 हैं, महाराष्ट्र के 44, पश्चिम बंगाल के 37, मध्य प्रदेश के 34, असम के 32, ओडिशा के 25, पंजाब के 22, गुजरात और तेलंगाना के 21 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए। इसके साथ ही अन्य राज्य भी हैं जहां पर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ खान जयपुर से, अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से, कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ झुंझुनू से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आसिफ, आपका रुख करते हुए, आज का दिन ऐतिहासिक है और क्या तैयारियां देख पा रहे हैं? कौन कौन से स्टेशन जिनका कायाकल्प किया जाना है राजस्थान में? प्रियंका, कुल 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं, जिन्होंने आपको याद होगा कई बार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जब जयपुर आते हैं तो उन्होंने बताया कि जो है वो इन सारे रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन की योजना के तहत कायाकल्प किया जा रहा है, पुनर्विकास किया जा रहा है। इसमें मैं आपको बताऊं, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के 47 रेलवे स्टेशन है और अगर जयपुर मंडल की बात की जाए तो 12 रेलवे स्टेशन शामिल है। प्रियंका, इस बार रेल मंत्रालय ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि केवल बहुत बड़े रेलवे स्टेशन को ही जो है वो विकसित ना किया जाए, बल्कि वो छोटे स्टेशन जहां पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, ऐसे रेलवे स्टेशन जो शहर के बीचों बीच स्थित हैं, जो शहर को आपस के अंदर कनेक्ट करते हैं, ऐसे रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाए ताकि शहर के दोनों तरफ रहने वाले जो लोग हैं इसका लाभ ले सकें। इसी कड़ी के अंदर राज्य का, प्रदेश का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो जयपुर जंक्शन है और इस जयपुर जंक्शन को भी इसके अंतर्गत लिया गया है। इसके अलावा गांधीनगर रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है प्रियंका, जिसमें पूरा स्टाफ जो है वो महिलाओं का स्टाफ है। वहां पर जो है वो टीटी से लेके, गार्ड से लेके जितने भी कर्मी हैं वो सारे के सारे जो है वो महिलाएं हैं। गांधीनगर इसमें शामिल है, सीकर इसमें शामिल है, झुंझुनू इसमें शामिल है, रिंगस इसके अंदर शामिल है। तो ये तमाम छोटे रेलवे स्टेशन भी इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। यानी आज 508 रेलवे स्टेशन देश भर के अंदर देशवासियों को सौंपे जाएंगे, रेल यात्रियों को सौंपे जाएंगे, ताकि जब भी वो इन रेलवे स्टेशन पर आए तो उन्हें जो है वो पैसेंजर फ्रेंडली फील हो। बिल्कुल, कई सारी सुख सुविधाएं अब लोगों को मिलने वाली है, यात्रियों का सफर और सुहाना हो सके, इसे लेकर खास तैयारियां की गई और एक बड़ी सौगात देशवासियों को मिलने वाली है। अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, श्रीगंगानगर में क्या तैयारी देख पा रहे हैं? जरा तस्वीरें दिखाइए वहां से और बातचीत की भी कोशिश करिएगा, कितना उत्साह लोगों में वहां पर।
हमारे जीत गए। देखिए प्रियंका, श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन भी, बीकानेर मंडल रेलवे स्टेशन